मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आज मैं आप लोग के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर पाऊँगी शायद, क्योंकि अभी मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। दरअसल कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हमें अचानक लखनऊ हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, देखती हूँ मैं आप लोगों से कैसे बात कर पाती हूँ। अगर मुझे वहाँ समय मिलता है तो मैं आपसे बात करूँगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है वहाँ जाकर, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है, तो उनको हम लोग कल लेकर गए थे लखनऊ, लेकिन भाई ये कोरोना की वजह से उनको मना कर दिया था। पहले उन्होंने कहा पहले कोरोना जांच कराइए, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो शायद अब आज देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आज उसकी रिपोर्ट मिलेगी, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सब काम होगा। तो आई होप कि रिपोर्ट्स जो है वो ठीक आएँ। तो अभी हम लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हमारी गाड़ी जो है वो बाराबंकी टोल प्लाज़ा पहुंच चुकी है। ये हमारे यहाँ का टोल प्लाज़ा है, टोल टैक्स जहाँ पे जमा होता है। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, हमारी गाड़ी जो खड़ी है, क्योंकि आगे भी कुछ गाड़ियाँ हैं नंबर में लगी हैं, तो अब वो निकलेंगी आगे, तभी हमारी गाड़ी का नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग लखनऊ के समझ लिए आधी रास्ते पे पहुँचे हैं। अभी हमारी जितनी हैं उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही अभी बाकी है, तो यहाँ से भी अभी हमें पहुँचने में 1.5 घंटा करीबन लग जाएगा, वो भी अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहा तो। अगर कहीं ट्रैफिक मिल जाएगा तो फिर हमें 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, नहीं तो 1.5 घंटा तो हमें लगना ही लगना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल पहुँचने पर क्या होता है, क्योंकि अब तो रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि रिपोर्ट कैसी आ रही है, क्या आई है रिपोर्ट हम लोगों की। जो तो सब कुछ ठीक हुआ, देखते हैं ठीक होने पर भी वो लोग एडमिट करते हैं या फिर कुछ और बहाना बताते हैं या क्या कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ समझ नहीं आता। एक बार तो कहते हैं कि नहीं हम लोग कर लेंगे, फिर दूसरे ही बिल्कुल मिनट बाद कहते हैं नहीं अभी ये पहले घर आके लाओ, फिर ऐसा कुछ होगा। मतलब एक ना एक ऐसा बहाना ये बताते ही रहते हैं, फिर चाहे उस बीच पेशेंट को कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो है हम लोग टोल प्लाजा से निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठे आलस सी आने लगी थी, तो फिर ये हुआ कि चलो चाय पी ली जाए थोड़ी पहले, फिर आगे चला जाए। तो चाय भी हम लोग अपने घर से ही बनाकर लेके गए थे थर्मस में, हमने बाहर से कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो चाय हम घर से ही लेके गए थे बनाकर। तो अभी फ़िलहाल सब कोई चाय पी रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को देखिए, बिल्कुल चेहरा जो है बिल्कुल उतर चुका है इनका, और इतना बिल्कुल परेशान हो गए हैं बेचारे। 2 दिन से लगातार सोचने वाली बात है, फैज़ाबाद से लखनऊ, लखनऊ से फैज़ाबाद आना कितना मुश्किल है, और वो भी फिर इस कंडीशन में कि इनको इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतनी दिक्कत है कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तब भी यार, लेकिन ये हॉस्पिटल वाले बिल्कुल भी नहीं सोचते, पता नहीं क्यों इनको ये नहीं चीज़ समझ आती कि हाँ यार पेशेंट आ रहा है तो दिक्कत में आ रहा है, तो कहीं कुछ तो करना ही चाहिए। बिल्कुल रहम नाम की तो जैसे कोई चीज़ ही नहीं है इन लोगों की आँखों में, कोई मतलब नहीं बनता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरे साथ मेरे जेठ आए हुए हैं, और वहाँ लखनऊ में मेरी नंद हैं जो उनके देवर हैं, वो काम करते हैं, तो उनसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो फ़िलहाल इतने लोग हैं, देखते हैं आज काम हो पाता है या फिर आज भी वो हमें लौटा देते हैं। तो ये तो अब हॉस्पिटल पहुँच कर ही पता चलेगा। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं, तो ट्रैफिक भी फ़िलहाल अभी तो ऐसा कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला है, फ़िलहाल रोड भी ठीक ठाक है, खाली ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ठीक है, जब तक हम लोग लखनऊ पहुंचते हैं, आप लोग ये देखिए रास्ते का नज़ारा देख लीजिए,
मैंने कहा चलिए आप लोग को भी दिखा दिया जाए लखनऊ का थोड़ा सा सीन। ये पीछे की तरफ कुछ देखने लगे थे हस्बैंड मेरे, देखो बेचारे कैसे हो गए हैं। और ये देखिए चारों तरफ बाग बगीचे, सड़कों के किनारे जो आप देखोगे पेड़ पौधे आपको बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे तुम मेरी मत बनाओ, उधर इतने सारे बगीचे हैं पेड़ पौधे हैं उधर ही बनाओ। तो फ्रेंड्स अभी हम पॉलिटेक्निक क्रॉस कर रहे हैं, तो बस सब पहुंचने ही वाले हैं हम लोग हॉस्पिटल, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मौका मिला तो मैं वहाँ की आपको दिखाऊंगी रिकॉर्डिंग करके, अगर मिला मौका तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपको हॉस्पिटल का कुछ भी दिखा पाऊँगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, फिर बताती हूँ कि क्या हुआ, हम लोगों को एडमिट किया या फिर क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया या नहीं। एवरीवन, तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से बाद में। हॉस्पिटल से आ गए हैं घर वापस, तो अभी अभी हम लोग अपने घर पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स आज भी हॉस्पिटल वालों ने एडमिट नहीं किया है, तो हम लोगों को वापस आना पड़ा। तो अभी हम लोगों ने फ़िलहाल यही डिसाइड किया है कि अब हम उसमें नहीं जाएंगे दोबारा, अब हम किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ही डॉक्टर को दिखाएंगे। तो अब हो सकता है अब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लेकर जाया जाएगा उनको। तो मैं तो खैर नहीं जा पाऊँगी कल, मेरे जेठ हैं वो लेके जाएंगे उनको, मैं क्यों नहीं जा पाऊँगी है कुछ रीज़न, मैं अभी नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि मुझे अटेंडम उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो गाइस जो मेरे हस्बैंड हैं उनको किडनी की प्रॉब्लम है, कि जो दोनों किडनियां हैं वो श्रिंक हो रही हैं, और अभी हाल ही में उनको मुझे लगता है उनको अभी फ़िलहाल यूरिन में भी इन्फेक्शन है। कंफर्म तो नहीं है क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होते हैं सारे तब तक कंफर्म नहीं पता चल पा रहा है कि हाँ ये किडनी की वजह से इनको दिक्कत हो रही है या फिर यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब तो ये जब डॉक्टर्स जांच करेगा टेस्ट्स होंगे सारे तभी जो है एक्चुअल जो हम लोगों की जो दिक्कत है इनके अंदर वो पता चल पाएगी हमें। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब कल लेकर जाना है इनको, कल डॉक्टर देखेगा तो वो क्या कहता है। हालांकि वहाँ पे हमने बात कर ली है, जाके पता कर लिया है, तो डॉक्टर साहब की जो ओपीडी है वो 9 से 2:30 लगती है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग क्या ये लोग जाएंगे, तो देखते हैं कल डॉक्टर क्या बताते हैं इनको। हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है वो भी जहाँ हम जाने के लिए कह रहे हैं, तो लखनऊ का काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है वो। देखते हैं फिर डॉक्टर्स क्या बताते हैं, अब तो जांच हो जाए तभी पता चलेगा। तो क्या करें, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां मतलब हम ही लोगों के लिए बनकर तैयार हुई हैं। एक परेशानी आती है जाती है कि जो जा पाती नहीं कि दूसरी तैयार रहती आने के लिए, तो कभी कभी तो हिम्मत हारने लगती है क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन वही है ना, हिम्मत करनी पड़ती है, फिर से उठना पड़ता है, तो वही कर रहे हैं। अगर हिम्मत ही हार जाएंगे तो फिर क्या कैसे हो चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, वो है ना ऊपर वाला, वो सब देख रहा है, उसी के ऊपर छोड़ दिया है, वो सब ठीक करेगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी दुआ करिएगा कि जल्दी से जो मेरे घर के हालात हैं वो ठीक हो जाएं, हस्बैंड मेरे जल्दी से ठीक हो जाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कल क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो में, अपने जो भी जैसे भी कंडीशन होगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड नाइट।